दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज फिर हम लोग बात करेंगे कुछ नए स्टॉक के बारे में, बट उससे पहले हम लोग आप सभी से बात करने जा रहे हैं निफ्टी के बारे में। और ट्रेंड जिस तरह से आपने देखा कि आखिरी आधे घंटे में जो रिकवरी निफ्टी ने दिखाई वो काबिले तारीफ थी। यानी कि अगर आप देखेंगे कि 3 o'clock तक निफ्टी रेड ग्रीन के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था, 2-4 पॉइंट ऊपर 2-4 पॉइंट नीचे, लेकिन 3 o'clock के बाद जो शार्प रिकवरी स्टार्ट हुई निफ्टी के अंदर वो अनएक्सपेक्टेड थी और निफ्टी को वो खींच के 11,065 के लेवल के भी ऊपर ले गया, जो कि हमारा स्ट्रांग वीकली सपोर्ट है और हमारा डेली सपोर्ट भी है दोस्तों। जैसे कि हमने पीछे वीडियोज़ में भी बात किया था, तो हम लोग निफ्टी के ट्रेंड के बारे में चर्चा जारी करेंगे। लेकिन दोस्तों जो हम आज 4 स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो चारों ही हैवी वेट स्टॉक है। यानी कि आप किसी भी स्टॉक में निवेश कीजिएगा आपको हर सूरत में मुनाफा मिलेगा। इतने पावरफुल और इतने दिग्गज स्टॉक हैं ये, एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं ये स्टॉक और बहुत ही ट्रस्टवर्थी ये ग्रुप है और एवरीवन रिलाई ऑन दिस ग्रुप। इससे पहले कि इन चारों स्टॉक के बारे में मैं आपसे चर्चा करूं, मैं एक छोटा सा मैसेज आप सभी को देना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप लोग को अभी तक टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं पता तो हम लोग एक टेलीग्राम चैनल रन कर रहे हैं जिसका मोबाइल नंबर 7217718769 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसकी मंथली मेंबरशिप फ़ी 600 रुपीज़ है। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ मेंबरशिप फ़ी में आपको क्यों मैं ले रहा हूँ। बेसिकली देखिए क्या है कि अगर हम फ़ी को हटा देंगे तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी यूज़र्स हैं, वो सभी आके मैसेजेस करने लगेंगे और वहाँ पर किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। जब हम फ़ी को रखते हैं तो जो जेन्यून लोग होते हैं, जो वाकई जेन्यून ट्रेडर है, जिनके पोर्टफोलियो में वाकई होल्डिंग्स हैं और जो अपने निवेश के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, केवल वही लोग मैसेजेस करते हैं और उसके लिए हम ये चार्जेस, मिनिमल चार्जेस रखते हैं। आप कहीं पर भी जाइए ज़्यादा से ज़्यादा बड़े चार्जेस रहेंगे आपको, लेकिन हमने आपकी फिजिबिलिटी के हिसाब से केवल मात्र 600 रुपीज़ मंथली, और अगर आप क्वार्टरली में जाते हैं तो वो उससे भी आपको चीप पड़ेगा, 1,250 रुपीज़ आपको सिंगल क्वार्टर के देने पड़ते हैं। इसमें हम आपके पोर्टफोलियो को देखेंगे, पोर्टफोलियो के जो शेयर से आप हमें बता सकते हैं, हम आपको बताएंगे कौन से स्टॉक सबके बेस्ट हैं, होल्ड करने लायक हैं, किन से आपको एग्जिट करना है, किन में आपको टेक प्रॉफिट करना है, लोअर लेवल्स का वेट करके दोबारा एंट्री लेनी है, और किन स्टॉक्स को आपको दूसरे सेम वैल्यू के स्टॉक से स्विच करना है, वहाँ पर आपके कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी स्टॉक को बाई करने जाते हैं तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि क्या ये बाई करने का बेहतर समय है, क्योंकि अगर आपने उसको हायर प्राइस पे ख़रीद लिया तो कितना भी स्ट्रांग फंडामेंटल स्टॉक क्यों ना हो आपको लॉस मिलेगा, और जब आपको लॉस मिलेगा तो आप पैनिक होंगे, जब आप पैनिक होंगे तो उसको आप लॉस में बेच देंगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि इसके बॉटम्स कहाँ पर हैं, इसका पीक कहाँ पर है, कहाँ से हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पर हमें एग्जिट करना है, तो वहाँ पर हम आपकी मदद करते हैं। आप जब भी स्टॉक को परचेज करना चाहें हमें आप पिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, हम आपको उस स्टॉक के बारे में प्रॉपर एडवाइस करेंगे, सलाह करेंगे, बताएंगे हम आपको कि क्या उस स्टॉक का आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है। साथ ही हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी प्रॉपरली एनालिसिस कीजिएगा स्टॉक के बारे में और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा और आप खरीदने की कोशिश कीजिएगा। एंड जो भी मार्केट अपडेट्स रहते हैं रेगुलरली, बहुत समय हमें मार्केट्स की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में नहीं पता चलता और स्टॉक गिर जाता है तो हम कहते हैं कि स्टॉक क्यों गिरा, तो हम आपको उस मार्केट अपडेट के बारे में बताएंगे पर्टिकुलर कि आज किन स्टॉक्स में जो गिरावट है या तेजी है वो उसका रीजंस क्या है और अभी ये कहां तक मूव कर सकते हैं, नीचे ऊपर की साइड में। तो ये आपको फ़ायदा मिलने वाला है टेलीग्राम पर। खैर, ये थोड़ा सा मैंने एक ब्रीफ इसलिए दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि टेलीग्राम चैनल का हमें बेनिफिट कहाँ पर है। सो अगर आप ये बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ पिंग कीजिए, हम लोग आगे की बात फिर टेलीग्राम पर ही करेंगे। तो अब हम बात आते हैं 4 हैवीवेट स्टॉक के बारे में, फटाफट डिस्कशन देते हैं कि 4 हैवीवेट स्टॉक HDFC ग्रुप के हैं, HDFC बैंक, HDFC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड नेक्स्ट HDFC लाइफ। ये 4 स्टॉक हैं और इन चारों ही स्टॉक के बारे में हम लोग आपको टेक्निकल व्यू जरूर देंगे। आप देख सकते हैं आज शुरू के सीज़न में एक अच्छी खासी गिरावट आई थी, फर्स्ट हाफ में फ्राइडे सेशन में काफ़ी तगड़ी गिरावट आई थी मार्केट के अंदर,
लेकिन उसके बावजूद भी HDFC ग्रुप के स्टॉक्स में बहुत ही कोई बड़े फॉल को हमें देखने को नहीं मिला। इवन जो हाउसिंग फाइनेंस जो स्टॉक्स थे वो सभी गिरे, लेकिन HDFC का जो हाउसिंग फाइनेंस है उसमें हमें बहुत ही मेजर करेक्शन देखने को नहीं मिला। हाँ, कुछ लिटिल बिट करेक्शन आया, बट डेट बट वो उसमें उसकी जो रिकवरी थी वो बहुत जल्दी आज हो गई। आप देखेंगे यहाँ पर जो ये करेक्शन आया था वो लगभग 1839 से गिरता हुआ 1702 का लो टच किया था और 1718 का क्लोजिंग दिया था, लेकिन आज उतनी ही पावर के साथ शार्पली रिकवर भी किया, जबकि और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में ज़्यादातर हमें गिरावट ही देखने को मिली और स्टॉक ने अपना सपोर्ट लेवल 1760 के ऊपर की आज क्लोजिंग भी दे दी। तो आप देखेंगे जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो जैसे ही मार्केट में तेजी दिखती है वो रिकवरी में चले जाते हैं और एकदम से रिकवर हो जाते हैं, और यही HDFC के हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक ने किया जो कि आज 1773 पर उसने क्लोजिंग दी। और ये इंडिकेशन है आगे भी आने वाले दिनों में जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ये स्टॉक वापस अपनी ग्लोरी को अचीव कर लेगा। एंड फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो डाउनसाइड टारगेट है वो आप लिख लीजिएगा 1700 रुपीज़। अगर इन केस आपको दोबारा से 1700 का लेवल मिलता है इस स्टॉक में इन द कमिंग डेज, सो आप डेफिनेटली ऐड कीजिएगा, एवरेजिंग कीजिएगा जिनके पास भी है, और कम से कम एक से डेढ़ साल यानी कि 12 से 18 महीने के लिए HDFC ग्रुप के इस स्टॉक को होल्ड कीजिएगा। आपको लगभग लगभग 2200 से 2300 रुपये के लेवल इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे, यानी कि लगभग आपको 25 से 30% के रिटर्न्स इस स्टॉक में अगले 12 से 18 महीने में देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट होता है। 500 रुपये का मूवमेंट अभी यहां से पेंडिंग है इस स्टॉक का अगले डेढ़ साल के अंदर। इसके बाद HDFC AMC पे आते हैं, एसेट मैनेजमेंट यानी म्यूचुअल फंड्स वगैरह में जो लोग निवेश करना चाहते हैं वो HDFC AMC की साइट को जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया मिलेंगे और आपके जो भी आपके यू नो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी पॉलिसी ठीक बैठती है आप उसमें निवेश कर सकते हैं। HDFC AMC जब लिस्टेड हुआ था उस वक्त ये स्टॉक ने लगभग 1500 रुपये के आसपास ये अलॉट हुआ था, 1500 से 1600 के बीच में अलॉट हुआ था ये, लेकिन जो ओपनिंग हुई थी इसकी 1726 रुपये पर इसकी ओपनिंग हुई थी। उसके बाद 1950 रुपये के आसपास 1970 का हाई टच किया था इतने 27 अगस्त को, एंड 27 अगस्त के बाद कंटिन्यूसली इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली और अपना जो लो टच किया स्टॉक ने वो 21 सितंबर को 1250 रुपीज़ का लो टच किया। उसके बाद 24 सितंबर को भी इसमें एक गिरावट देखने को मिली, चूँकि फ्राइडे को सभी स्टॉक्स में गिरावट थी, लेकिन आज जैसे ही मार्केट ने 100 पॉइंट की रिकवरी दिखाई इस स्टॉक ने भी शानदार रिकवरी दिखाते हुए पिछली कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग दी है। और देखिए बुलिशनेस कब इंडिकेशन होती है, जब करंट कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर चली जाती है, और आप देखेंगे कि प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग तकरीबन 1390 के आसपास थी और आज 1397 पहुंच चुका है, तो यहां से हमें एक तेज़ी बरकरार रहने की उम्मीद है। और नेक्स्ट टारगेट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 1 से 2 महीने के अंदर वो हम लगभग 1530 से 1550 का यानी 1550 तक का लेवल HDFC AMC में आपको 1 से 3 महीने में देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसके बाद HDFC बैंक के बारे में आते हैं, बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है और अगर सर्विसेज की बात करेंगे तो फैंटेस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करता ही है अपने कस्टमर्स को, और इसी कारण से इसके कस्टमर्स बहुत ही ज़्यादा रिलाय करते हैं HDFC बैंक के ऊपर। एंड फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल 1952 के रेंज में भी ये ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, और मुझे लगता है कि यहाँ से इसका जो मैक्सिमम डाउनसाइड है वो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, मैक्सिमम डाउनसाइड 1900 रुपीज़ का, यानी कि अगर 1900 रुपीज़ का लेवल आपको मिलता भी है इस स्टॉक में, सो आप अगर आपका देखिए होराइजन कितना होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप यू नो कुछ लोग होते हैं जो कि 2-4 दिन के लिए ख़रीदते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं भाई हमने मार्जिन के लिए 15 से 20 दिन के लिए लिया हुआ है, ठीक है हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और मार्जिन पे हमारा अमाउंट पड़ोगा, बट देखिए आप कैश में बाइंग कीजिए, क्योंकि जो अच्छे स्टॉक होते हैं फंडामेंटल स्टॉक होते हैं वो जब कंसोलिडेट होते हैं तो बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन दिखाते हैं, क्योंकि उसके बाद जो उनका रन अप आता है वो उस कंसोलिडेशन से कई गुना तेज़ होता है, ठीक है। तो ये अभी स्टॉक आप देखेंगे जो लगातार गिरावट रही है HDFC बैंक में भी आप देखेंगे लगभग 2220 रुपये का हाई टच किया था स्टॉक ने, और उसके बाद आपको 1900 की रेंज में ये स्टॉक अवेलेबल है 300 रुपये का डिस्काउंटेड प्राइस, एक ऐसे पावरफुल बैंकिंग सेक्टर स्टॉक में मिल रहा है आपको, मुझे लगता है कि नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में तो शायद आपको ये कभी नहीं मिलता, और ये अगर आपको इस वक्त मिल रहा तो ये आपके लिए बहुत ही कहना चाहिए कि एक सुनहरा गोल्डन मोमेंट है, आपको इस स्टॉक को पकड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये स्टॉक हर 5 साल में अपनी करंट वैल्यूएशन का दुगना हो जाएगा,
यानी कि अगर आज स्टॉक 2000 रुपीज का पे ट्रेड कर रहा है तो अगले 5 सालों के बाद ये स्टॉक कम से कम 4000 रुपए पे ट्रेड कर रहा होगा, उससे ज़्यादा हो सकता है बट 4000 के नीचे नहीं होगा, ये बात पक्की है अगले 5 साल के अंदर। तो अगर आप अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन, क्योंकि मार्केट के साथ तो सभी बढ़ते हैं, जो मार्केट कंडीशंस को बीट करते हुए अपनी नई चाल बनाए, अपना नया रास्ता बनाए, ये कुछ उसी ग्रुप में से है। और ये स्टॉक्स कुछ इसी तरह के हैं जो आपको इन एनी सिचुएशन लॉसेस बहुत कम से कम कराएंगे, जबकि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो आपका बहुत शानदार होगा। तो ये HDFC बैंक के बारे में है, आप इसमें भी निवेश कीजिएगा। और HDFC लाइफ या लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, HDFC ग्रुप की, काफ़ी तगड़ी गिरावट और काफ़ी अच्छी खासी पिटाई हुई इस स्टॉक के अंदर। और ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं 11 सितंबर की, 11 सितंबर को इसने अपना एक अच्छा सपोर्ट 451 का ब्रेक किया, जिसके ऊपर ये काफ़ी दिनों से एक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। जब वो 450 नीचे की तरफ क्लोज हुआ तो उसके बाद एक अच्छी गिरावट आई स्टॉक में, और स्टॉक का जो लोअर लेवल टच किया वो तकरीबन 365 के आसपास टच किया गया। ओके, और आज अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्विक रिकवरी आई, सुबह से ही ये स्टॉक ग्रीन में ट्रेड कर रहा था। इवन इन द मॉर्निंग इस स्टॉक में आपने देखा होगा कि एक गिरावट का दौर भी था, मार्केट में एक गिरावट का दौर भी था, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोअर शेडो है वो बहुत ही कम है, यानी कि जब गिरावट का दौर था ये स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं गया, लेकिन जैसे ही तेज़ी आई तो उस तेज़ी में इसने पार्टिसिपेट किया, रीज़न कि ऑलरेडी ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका था। तो दोस्तों, एक स्टॉक कब तक गिरेगा, जब तक वो ज़मीन तक बॉटम तक नहीं, कि आप एक बॉल को उछालते हैं अगर हवा में तो वो बॉल कब तक गिरेगी, जब तक वो ज़मीन के स्तर पर नहीं आ जाती। एक बार ज़मीन के स्तर पर आ गई उसके बाद तो उसको बाउंस बैक करना ही करना है। तो सेम शेयर मार्केट में स्टॉक्स के साथ भी होता है कि वो जब गिरना शुरू होते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि उनका बॉटम कहाँ पर है, कहाँ पर वो फ्लोर है, उनका फ्लोर प्राइस है, जिससे कि उसमें एक बाउंस बैक आएगा, एक रिवर्सल आएगा। तो ये इसका बाउंस बैक लेवल था 360-365 का, और वहाँ से एक अच्छी तेजी आई। और मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 4 महीने में जिस तरह से निफ्टी में आज रिवर्सल आया, और अगर ये रिवर्सल कंटिन्यू रहता है और निफ्टी में हमें और तेज़ी देखने को मिलती है, हायर लेवल्स देखने को मिलते हैं कमिंग अक्टूबर मंथ में, तो फिर ये स्टॉक अगेन आपको 450 से लेकर 470 तक के लेवल डेफिनेटली शो करेगा और आपको एक अच्छा मुनाफा भी देगा। और दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म का होराइजन है तो आप डेफिनेटली इन चारों में से किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश कर दीजिए, आपको एनी हाउ प्रॉफिट होने ही वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप इनको खरीद के अपनी तिजोरी में रख देते हैं तो जब उन कागजों को आप निकाल के अगले 5 सालों बाद देखेंगे तो उनकी वर्थ इतनी होगी कि आप जब उसको सेल करके उस पैसे को तिजोरी में रखना चाहेंगे ना तो आपकी तिजोरी में वो पैसा नहीं आएगा। ये इस स्टॉक की क्रेडिबिलिटी है, ये इस स्टॉक की वेल्थ है जो कि आपको बना के देगा ये स्टॉक आने वाले 5 सालों में, और आपके हर सपनों को साकार भी करेगा। तो दोस्तों, ये वो 4 हैवीवेट स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हमने बात किया। और अगर आप इनकी वेबसाइट को देखना चाहते हैं तो मैं आपको वेबसाइट भी एक बार दिखा देता हूँ, कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। ये म्यूचुअल फंड की वेबसाइट है, HDFC म्यूचुअल फंड यानी कि HDFC फंड की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इक्विटी एंड ग्रोथ फंड मिलेगा आपको, ओके, डेट एंड डेट, उसके अलावा आप यहाँ पर आ सकते हैं डेट इनकम फंड, एंड उसके अलावा आप आ सकते हैं लिक्विड फंड्स, चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, रिटायरमेंट सेविंग फंड्स, फिक्स मेच्योरिटी प्लान, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETFs, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स जो कि आपको टैक्स सेविंग में काम करती है, ड्यूअल एडवांटेज फंड, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स, फंड ऑफ द फंड सर्विसेज, एंड उसके अलावा एनुअल इंटरवल फंड सीरीज 1, एंड इसके अलावा कैंसर क्योर फंड। सो बहुत सारे फंड्स हैं। तो जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं मैं उनको एडवाइस करूँगा, आप लोग म्यूचुअल फंड HDFC फंड की साइट पर जाइए, HDFCfund.com पर जाइए, एसेट मैनेजमेंट की जो कंपनी है HDFC AMC की, उस पर जाइए और आपको जो भी फंड आपको पसंद आता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें निवेश कीजिए, और उसमें रेगुलर SIP बना के रखिएगा। आपको हर सिचुएशन में, इन एनी सिचुएशन, आपको मार्केट इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट क्राइटेरिया, मार्केट सिनेरियो, आपको एक अच्छा रिटर्न मिलना ही मिलना है HDFC के म्यूचुअल फंड्स के अंदर। इसके बाद बैंकिंग एंड पर्सनल, ये आपके HDFC की बैंकिंग की साइट है, आप जा सकते हैं, बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं, फोरेक्स कार्ड बनवा सकते हैं, EMIs के थ्रू जो भी कंज्यूमर फाइनेंस EMIs आप ले सकते हैं, फाइनेंस करवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट्स हैं आपके, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज हैं, तो ये आपके बैंकिंग सर्विसेज में आता है। लोन एंड मॉर्गेज यानी कि जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है ये HDFC, और जिस तरह से हमने देखा कि
फ्राइडे को और मंडे को दोनों ही दिनों में हाउसिंग जो फाइनेंस सेक्टर उसकी जो कंपनीज है उसमें बुरी तरह से पिटाई हुई है, ब्लड बाथ हुआ। हालांकि HDFC ने फ्राइडे सेशन में तो गिरावट में पार्टिसिपेट किया था, बट आज जो आज मंडे का सेशन आया इसमें इसने एक अच्छी तेजी दिखाते हुए एक हायर लेवल पर क्लोजिंग दी है, जो कि इस स्टॉक की स्ट्रेंथ को, पावर को दिखाता है कि मार्केट जैसे ही रिकवर करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर पीयर्स ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। सो अगर आपने इसके पीयर्स की बात करते हैं तो जो बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस का जो स्टॉक है वो HDFC हाउसिंग फाइनेंस ही है, जो कि मार्केट की कंडीशन के हिसाब से सेंटीमेंट इसमें किसी तरह का सेंटीमेंट नहीं है कि पता चला DHFL में गिरावट आ गई तो HDFC में भी गिरावट आ जाएगी। तो आप ट्रस्ट देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो HDFC के जो निवेशक हैं उनको कितना भरोसा है, कितना रिलाय करते हैं स्टॉक के अंदर, कि DHFL के गिरने के बाद बाकी सारे हाउसिंग फाइनेंस बुरी तरह से पिटे थे और आज भी पिटे हैं बुरी तरह से। लेकिन आज फ्राइडे में तो पार्टिसिपेट जरूर किया था, लेकिन आज मंडे में इस स्टॉक ने शानदार रिकवरी दिखाई और ग्रीन लेवल पर इसने क्लोजिंग भी दिखाई, तो ये इसकी स्ट्रेंथ को और पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है। साथ ही HDFC लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इसमें टर्म प्लान्स हैं, आपके कॉम्बो प्लान्स हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, रिटायरमेंट प्लान्स हैं, हेल्थ प्लान्स हैं, तो जो भी प्लान आपको पसंद आता है आप HDFC लाइफ की वेबसाइट पर जाइए, उस प्लान को चूज़ कीजिएगा और ले लीजिए, एंजॉय कीजिएगा HDFC लाइफ के साथ उसके कस्टमर बनके। तो गाइज, ये हमने चार वेल्थी स्टॉक्स के बारे में बात की और जो हैवी वेट स्टॉक है जो कि आपकी वेल्थ को कई गुना भारी बना देंगे, और भारी कब बनता है, जब आपकी वेल्थ बढ़ती है तभी उसमें वेट भी आता है, क्योंकि एक रुपए के नोट में वो वेट नहीं होता है जो 10,000 की गड्डी के में वेट होता है। तो आप इस स्टॉक को खरीदिए, ये आपकी वेल्थ के वेट को इंक्रीज करेगा, आपको वेल्थी बनाएगा, आपके डेस्टिनी को चेंज करेगा, लेकिन आपका जो नज़रिया होना चाहिए वो इस स्टॉक में लगातार इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन। ये नहीं है कि आप इसमें ट्रेडिंग करने बैठ जाएं तो आपको कितना मिलेगा, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000। अगर आप मोटा तगड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो रेगुलर इन्वेस्टर बन जाइए इस कंपनी के किसी भी चार स्टॉक में, चाहे वो HDFC हो, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे HDFC AMC हो, चाहे HDFC लाइफ हो। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप किसी एक स्टॉक में निवेश करेंगे तो कुछ ही महीनों में आप इसी कंपनी के दूसरे स्टॉक्स में भी निवेश करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पहली कंपनी आपको इतना अच्छा मुनाफा दे रही होगी कि आपको पता चल जाएगा कि मैं बाकी की तीन कंपनी में भी स्टॉक में अगर निवेश करूंगा बजाय किसी और ग्रुप के साथ जाने के, तो मुझे डेफिनेटली मेरी वेल्थ मल्टीप्लाई होती हुई दिखाई देगी। सो गाइस, हमने बात की आज HDFC ग्रुप के चार हैवी वेट स्टॉक्स के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों की कुछ राय मशवरा हो, अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज हो या आपके कुछ डाउट्स हो तो आप लोग मुझे वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल ID पे मेल कर सकते हैं moneytreegrowing17@gmail.com पर। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि टेलीग्राम पर आप कभी भी किसी भी समय 24/7 मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की, हर कंडीशन में आपको बेस्ट टू बेस्ट सजेशन देने की, लेकिन मैं आपको केवल सजेशन दे सकता हूँ, उसको फॉलो करना नहीं करना ये आपके हाथ में है। अगर आपने फॉलो किया देन वेरी गुड, अगर आपने नहीं फॉलो किया तो ये आपकी इच्छा शक्ति ही है, आपकी मर्जी है। बट फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, स्टॉक मार्केट में एक ही नियम चलता है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी और आप कितने डेडिकेटेड फॉर्म में आके कितने रूल्स को फॉलो करते हैं आप। ऐसा नहीं कि आप रेड लाइट पर खड़े हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर देखा कि कोई भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं है, आपने रेड लाइट जंप कर दी और आपको किसी ने नहीं पकड़ा। बट दिस इज द स्टॉक मार्केट, अगर आप रूल्स को ब्रेक करेंगे देन रूल विल ब्रेक यू। तो ये नियम है स्टॉक मार्केट का, तो कभी रूल को मत ब्रेक कीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। ट्रेड इनिशिएट इन द सेंस, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉप लॉस नहीं होते, उसमें SIP के माध्यम से आप रेगुलर इन्वेस्टर बनिए। ट्रेड स्टॉप लॉस की बात जब मैं करता हूँ, इसका मतलब है कि अगर आपको ट्रेड उठा रहे हैं एक दिन की, दो दिन की या पाँच दिन के हिसाब से, तो आप बिना स्टॉप लॉस के उस ट्रेड को मत उठाइए। एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है देन आप एग्जिट हो जाइए। हाँ, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के जो स्टॉक्स होते हैं उनका जो स्टॉप लॉस होता है उसका सिनेरियो अलग होता है, उनके स्टॉप लॉसेस डीप होते हैं, मंथली कैंडल्स पर उनके स्टॉप लॉसेस देखे जाते हैं, ना कि डेली या 30 डेज 60 मिनट की कैंडल पर। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में जल्दी हम लोग मुलाकात फिर से करेंगे, हम येस बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। बोर्ड मीटिंग अभी चल रही है, अभी आउटकम नहीं आया है फिलहाल, लेट्स सी कि आउटकम में क्या निर्णय निकलता है राणा कपूर को लेके, क्या राणा कपूर के लिए फिर से अपील डाली जाती है, क्या ये लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं या कुछ रिलीफ मिलेगा, जैसे कि कुछ र्यूमर्स चल रही है कि राणा कपूर को रिलीफ मिल सकता है।
तो ये अभी बोर्ड मीटिंग के बाद ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या होने वाला है आने वाले समय में येस बैंक में। बट इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को मिस मत कीजिए येस बैंक का, क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ येस बैंक के वीडियो में आने वाले टाइम में। तो जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल का आइकन आ रहा होगा उसको अगर आप दबाएंगे तो जैसे ही मैं येस बैंक का वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ आपके साथ येस बैंक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।